हेलो दोस्तों, फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं अभी आया हुआ हूँ इस टाइम पर पंगोट में। नैनीताल के ट्रिप के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, बट बहुत लोगों ने बोला कि जो पंगोट है नैनीताल से आपका 15 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, इसके लिए हमने गाड़ी हायर की थी क्योंकि जैसे लोगों ने बताया कि थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर यहाँ पे कर्व्स हैं। तो अभी इस टाइम पे पंगोट है। ये जो आपकी जो मैं पूरी ब्यूटी आपको दिखाने वाला हूँ पंगोट की, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। एंड ये मेरा फ्रेंड है जिसने रिकमेंड किया था कि नैनीताल से हमें पंगोट ऊपर जाना ही जाना है। तो अब ये बताइए कि क्या स्पेशलिटी है इसकी जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या देखने को मिलेगा? एक्चुअली में क्या था, बहुत से लोग ना नैनीताल ये इस टाइप की जगहों पर आते हैं और उनको लगता है कि वहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन क्या है वहाँ पे क्राउडेड होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों का, पब्लिक का इकट्ठा हो जाना आपको सुकून नहीं दे पाता। एक नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए और आपको बर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें, नेस्ट हाउस सेंचुरी, तो मैंने भी बहुत सुना है लोग बताते हैं कि बहुत अच्छे बर्ड्स हैं और यहाँ पर इतना सुकून है कि आपको ना सुकून के साथ नेचर और इतना ब्यूटीफुल है ना सारी चीजें। अगर आपको सुकून चाहिए, नेचर चाहिए और साथ में बर्ड्स की चिरपिंग चाहिए और यहाँ स्पेशली सेंचुरी है बर्ड की, दैट्स व्हाई इसलिए हम पंगोट आते हैं नैनीताल से सिर्फ 14-15 किलोमीटर ऊपर। तो दिस इज वन ऑफ द 14-15 में भी तो हमने क्या क्या कवर किया है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। उस 14-15 किलोमीटर के एरिया में आप आओगे ना तो आप उसमें बहुत सारे ना पॉइंट्स हैं, जो लाइक लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट है, लवर पॉइंट है, इको पॉइंट आल्सो है और एक पॉइंट और बताया हुआ है इन्होंने जो कि मैंने नैनीताल वीडियो में डाल दिया, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि एसी जैसी हवा आती है, बट वहाँ एसी तो वहाँ पे नहीं, अगर आप गर्मी में आओगे तो वहाँ एसी जैसी हवा ही मिलेगी, लेकिन अभी विंटर्स है तो विंटर्स में तो ऑलरेडी आपका बाहर वैसे ही ठंडा होता है तो आपको वहाँ पे वो ठंडक बराबर लगेगी नहीं। चलिए ठीक है, पूरे व्लॉग में आप देखते हैं और क्या सब मतलब क्या सब चीजें देखने के लिए होने वाली है। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो यहाँ जरूर आए और अगर हो सकते तो कैंपिंग के लिए यहाँ पे देखो इस टाइप के रिजॉर्ट्स होते हैं। एक बार आप इधर दिखाइए, ये अशोका नैनीताल करके एंड कॉटेजेस वगैरह सब होते हैं, आप उनको आराम से कवर कर सकते हैं बहुत ही मज़ा और बहुत ही सुकून के साथ। चलिए ठीक है थैंक यू सो मच। अब देखते हैं इस पूरे व्लॉग में और क्या सब चीज़ें हम लोग कवर करने वाले। वैसे ज़्यादा कुछ कवर करने वाला है नहीं, शायद ये व्लॉग मेरा 4 या 5 मिनट से ज़्यादा का ना हो, बट इसमें मैं दिखा देता हूँ एक बार कि पंगोट भी क्या है। लोग कहते हैं देखना, बट देख लेते हैं चलिए कि कैसा होने वाला है। चलिए देखते हैं।